हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ रहे हैं पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड। पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड, शॉर्ट में इसको अपन पीएफ लिखेंगे। ठीक है, देखिए पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है। तो जो टोटल वॉल्यूम होता है, टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल या फिर क्रिस्टल या यूनिट सेल के टोटल वॉल्यूम का परसेंट जो कि पार्टिकल्स के द्वारा ऑक्यूपाई किया जाता है, वो क्या कहलाएगा, वो बोला जाएगा पैकिंग फ्रैक्शन। ठीक है, तो पैकिंग फ्रैक्शन की डेफिनेशन लें, द परसेंटेज of total volume of unit cell occupied by particles is called packing fraction। ठीक है, देखिए यानी परसेंटेज ऑफ टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम किसका, यूनिट सेल का या फिर क्रिस्टल का, जो कि ऑक्यूपाई किया जाता है किसके द्वारा, पार्टिकल्स के द्वारा। जब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं, पार्टिकल्स के द्वारा ऑक्यूपाई किया जाता है, वो वॉल्यूम क्या होता है, पैकिंग फ्रैक्शन कहलाता है। अब देखिए पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला हम कैसे लिख सकते हैं। पैकिंग फ्रैक्शन वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई पार्टिकल्स डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ठीक है, इंटू 100। 100 से मल्टीप्लाई करने में ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखिए इसमें हमें वॉल्यूम ऑफ ऑक्यूपाइड बाई पार्टिकल, ठीक है, पार्टिकल्स के द्वारा जो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड किया है वो हमें कैलकुलेट करना है। अब यहाँ एक विशेष बात ध्यान देने की क्या है, पार्टिकल जो है उसको स्फीयर माना जाता है, लाइक एज स्फीयर होता है पार्टिकल। तो पार्टिकल का जो वॉल्यूम होगा वो स्फीयर के वॉल्यूम के इक्वल होगा। दैट मीन्स वॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल इज 4/3 πr³। ठीक है, और वन यूनिट सेल में जेड पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, यानी एक यूनिट सेल के अंदर जो पार्टिकल्स हैं टोटल, उनको हम जेड माने तो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ जेड पार्टिकल्स इक्वल टू जेड इंटू 4/3 πr³। जेड इंटू 4/3 πr³, ये टोटल वॉल्यूम हो गया किसका, यूनिट सेल में जो पार्टिकल्स हैं उनका। अब हम बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इक्वल्स टू एज का क्यूब होगा। एज का क्यूब क्यों होगा, क्योंकि यूनिट सेल क्यूबिक है, और क्यूबिक होने के कारण जो वॉल्यूम होगा इसका वो क्या होगा, एज का क्यूब होगा। और एज कितनी मान रहे अपन, एज की लेंथ ए मान रहे हैं, तो ये वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ए क्यूब हो जाएगा। यानी वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इज ए क्यूब, क्योंकि ए क्या है, ए लेंथ ऑफ क्यूब। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए ये दोनों चीजें हमें मिल गई, टोटल वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स एंड टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। यहां इसको पुट कर देंगे फॉर्मूले के अंदर, देखिए पीएफ इक्वल टू हो जाएगा वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल्स, यह जेड इंटू 4/3 πr³ डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल ए क्यूब इंटू 100।
ये अपने पास फॉर्मूला आ गया किसका, पीएफ का, ठीक है, वेयर जेड इज नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन यूनिट सेल, नंबर ऑफ पार्टिकल इन यूनिट सेल, ए इक्वल्स टू एज लेंथ ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल, एज लेंथ ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है, और आर क्या है, आर इज द रेडियस ऑफ पार्टिकल, क्लियर, रेडियस ऑफ पार्टिकल्स, ये अपने पास आ गया पैकिंग फ्रैक्शन। अब देखिए आगे बढ़ने से पहले हम पढ़ते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर, देखिए ये पार्टिकल्स का अरेंजमेंट है, देखिए इस पार्टिकल्स के अरेंजमेंट में एक किसी पार्टिकल को पकड़ें, जैसे ये पार्टिकल है तो इस पार्टिकल को टच करने वाले टचिंग पार्टिकल्स कितने हैं, फोर है, ठीक है, टचिंग पार्टिकल कह दो चाहे नियरेस्ट नेबर कह दो, बात एक ही है, तो टचिंग पार्टिकल कितने हैं, फोर है, यानी कि नियरेस्ट नेबर कितने हैं, फोर है, तो किसी भी एटम के किसी भी पार्टिकल के नियरेस्ट नेबर जो होते हैं, टोटल नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर, नियरेस्ट नेबर ऑफ एनी पार्टिकल कॉल्ड कॉल्ड कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर ऑफ एनी पार्टिकल कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर, जैसे इसके नियरेस्ट नेबर 1, 2, 3 एंड 4 है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, कोऑर्डिनेशन नंबर इन दिस स्ट्रक्चर इज 4, ये कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया, क्लियर। अब हम आगे बढ़ते हैं देखिए, सबसे पहले हम सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल को डिस्क्राइब करते हैं, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल जिसको हम एस सी या एस सी सी भी लिख देते हैं, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। देखिए सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल होता कैसा है ये हमें देखना है, सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स यानी कि जेड, जेड इसमें कितना आएगा, 1/8 × 8 = 1, ऐसा क्यों, देखिए ये यूनिट सेल अपने पास में सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में जो पार्टिकल्स होते हैं वो पार्टिकल्स होते हैं ओनली और ओनली कॉर्नर्स के ऊपर, यूनिट सेल के कॉर्नर्स के ऊपर पार्टिकल्स प्रेजेंट रहते हैं, और वन पार्टिकल इसका जो इसमें ये जो पार्टिसिपेट करता है इसके अंदर वो 1/8 पार्ट इस एक यूनिट सेल में इसके पार्टिसिपेट करते हैं, यानी कि इस यूनिट सेल में ईच एटम पार्टिसिपेट करता है 1/8, तो 1/8 पार्टिसिपेट कर रहा है और 8 कॉर्नर के ऊपर है, तो 1/8 × 8 = 1 हो जाएगा, ये क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम सेकेंड पॉइंट इसका, नंबर ऑफ लेटिस पॉइंट, नंबर ऑफ लेटिस पॉइंट्स
देखिए, नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट वो लोकेशंस होते हैं जहां पार्टिकल प्रेजेंट रहते हैं। तो कितनी लोकेशन के ऊपर पार्टिकल प्रेजेंट है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। एट लोकेशन के ऊपर है तो नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट कितने हो गए? 8 हो गए। नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट कितने? 8। क्लियर। थर्ड हम देखते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना होगा? 6 होगा। देखिए हम डायग्राम के द्वारा इसको एक्सप्लेन करते हैं। ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम में हमें ये पता है कि कोई भी क्रिस्टल होता है उसका इनफाइनाइट तक वो फैला रहता है, वो इनफाइनाइट तक फैला रहता है। यदि वो इनफाइनाइट तक फैला है तो इसका मतलब इसके हर तरफ ऊपर नीचे इधर पीछे की ओर हर तरफ क्या होगी? यूनिट सेल होगी। तो यूनिट सेल यदि हर तरफ होगी तो इसका मतलब ये कि ये जो रेड पार्टिकल है, ये वाला रेड पार्टिकल, इसके अपोजिट में यहाँ कोई पार्टिकल और होगा जो किसी अदर यूनिट सेल का होगा, और इस रेड पार्टिकल के अपोजिट में यहाँ कोई पार्टिकल होगा और इसके अपोजिट में यहाँ कोई पार्टिकल होगा। तो ये जो पार्टिकल है, ये वाला पार्टिकल इसके नियरेस्ट नेबर कितने हैं? 1, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ये 6 इसके नियरेस्ट नेबर है, इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 6 हो गया। 6 नियरेस्ट नेबर, दैट मींस कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6। फोर्थ पॉइंट, रिलेशन बिटवीन ए। ए क्या है? एज लेंथ। एज लेंथ एंड आर। आर क्या है? रेडियस, रेडियस ऑफ पार्टिकल, रेडियस ऑफ पार्टिकल। देखिए सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में जो कॉर्नर के एटम्स होते हैं, कॉर्नर के पार्टिकल होते हैं, वो कॉर्नर के पार्टिकल एक दूसरे को टच करते हैं। हम केवल दो कॉर्नर के पार्टिकल ले लेते हैं। एक पार्टिकल इस कॉर्नर का ले लिया और दूसरा पार्टिकल इस कॉर्नर का ले लिया। अब हमें पता है कि ये जो है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है, यानी कि एज लेंथ है, एज लेंथ को आप कितना मान रहे हैं? एज लेंथ को आप मान रहे हैं ए। और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो गया? आर, रेडियस। और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस वो भी आर। तो ये एक इसके इक्वल है, टू आर के इक्वल है, यानी एज लेंथ ए इक्वल्स टू 2R हो जाएगा। ये इसका रिलेशन आ गया, एज लेंथ ए इक्वल्स टू 2R। पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, जेड इंटू 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइड बाई ए क्यूब इंटू 100। अब हमें पता है सिंपल क्यूबिक में जेड इक्वल टू 1 एंड ए इक्वल्स टू 2R। ये वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, पी एफ इक्वल टू जेड की वैल्यू 1 इंटू 4/3 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर क्यूब डिवाइड बाय ए क्यूब इंटू 100। ठीक है, देखिए 4 इंटू 22 इंटू आर क्यूब इंटू 100 डिवाइड बाय 3 इंटू 7, ये दोनों नीचे आ जाएंगे, इंटू ए। ए की वैल्यू कितनी है? 2R का क्यूब है। ठीक है, 4 इंटू 22 इंटू आर क्यूब इंटू 100 डिवाइड बाई 3 इंटू 7 इंटू 2 का क्यूब 8 इंटू आर क्यूब। आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल, ठीक है, 4 से ये 8 कैंसिल और ये 2 से 22 क्यूब, ये आ जाएगा अपने पास 52.4%। 52.4% हमारे पास आ जाएगा। अब देखिए नंबर 6 पॉइंट, टोटल परसेंटेज, टोटल परसेंटेज
ऑफ वॉइड और वैकेंट स्पेस। ठीक है, देखिए टोटल वॉल्यूम कितना है, 100% है, जिसमें से पैकिंग फ्रिक्शन कितना आ गया, 52.4%। तो 52.4% ये वो वॉल्यूम है जो कि पार्टिकल्स ने ऑक्यूपाई किया है, तो बाकी बचा हुआ कितना हो जाएगा, 47.66%। ये क्या हो गया, ये वेकेंट वॉल्यूम हो गया, परसेंटेज ऑफ वेकेंट वॉल्यूम।